हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित कुशवाहा, आप देख रहे हैं रंजन टेक चैनल। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पे अपने नाम और फोटो की यूज करके एक अच्छा सा विशिंग बैनर पोस्टर अपने मोबाइल से कैसे बनाते हैं, इसी के बारे में आज हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो दोस्त, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक रंजन टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे सबसे पहले दोस्त आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि बैनर पोस्टर जो होगा किस टाइप का होगा। तो जैसे दोस्त आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सेम ऐसा ही बैनर पोस्टर दोस्त मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का बैनर पोस्टर आप विंडो में कैसे बना पाएंगे। तो चलिए दोस्त आगे चलते हैं। आप बैनर पोस्टर बनाने के लिए दोस्त अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन होना चाहिए, जिस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सआर्ट। अगर दोस्त आपके मोबाइल में पिक्सआर्ट एप्लीकेशन नहीं है तो दोस्त आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्त हो सकता है आपके मोबाइल में कुछ इस तरह से पिक्सआर्ट ओपन हो, तो दोस्त आपको यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको दोस्तों यहाँ पे ऑल फोटोज पे क्लिक कर देना होता है। ऑल फोटोज पे क्लिक कर दें दोस्त आपके फोन का गैलरी ओपन हो जाता है। तो अपने फोन की गैलरी से एक यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। इस टेम्पलेट को दोस्त मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से डायरेक्ट आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं पाएंगे। इस टेम्पलेट को दोस्त मैं पहले से ही बना के रखा हूँ। यहाँ पे ज्यादा कुछ आपको करना नहीं होता है, सिर्फ आपको यहाँ पे अपना फोटो ऐड करना होता है। क्लिक कर दें दोस्त आपके फोन का गैलरी ओपन हो जाता है। तो अपने फोन की गैलरी से यहाँ पे जो भी आपको फोटो लेना हो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे रवि किशन का फोटो ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इस फोटो को मैं दोस्त पहले से ही पीएनजी में बना के रखा हूँ। दोस्त अगर आपको पीएनजी में फोटो बनाना नहीं आता है तो दोस्त आप अपने फोटो को पीएनजी में मिंटो में बना पाएंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दे दूंगा, उस वीडियो को देखकर आप अपने फोटो को मिंटो में पीएनजी में बना पाएंगे। तब दोस्त आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस फोटो को थोड़ा सा क्रॉप कर लेंगे, छोटा कर लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सही वाले निशान पे क्लिक करके यहाँ पे इसे सही से सेट कर लेंगे। इसके बाद दोस्त आपका जो भी नाम हो आप अपना नाम टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर नाम टाइप करने के लिए दोस्त प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी आपका नाम हो आप यहाँ पे नाम दे दीजिए। नाम देने के बाद दोस्त आप यहाँ पे सही वाले निशान पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे इस नाम को लाके सही से सेट कर दीजिए। नाम सेट करने के बाद दोस्त आप यहाँ पे इसका कलर भी दे सकते हैं, जो भी कलर देना चाहे दे सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे शेडो दे सकते हैं, स्ट्रोक कलर दे सकते हैं। इसके बाद फिर से दोस्त आप यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल का आईडी या इंस्टाग्राम की आईडी या फेसबुक की आईडी आप यहाँ पर डाल दीजिए और सही वाले निशान पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे लाके सही से सेट कर दीजिए। कुछ इस तरह से सेट कर दीजिए। जब आपका सारा काम हो जाए तो दोस्त आप यहाँ पर सही वाले निशान पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे तीर वाले निशान पर क्लिक कर दीजिए और अपने फोन की गैलरी में से सेव कर लीजिए। तो दोस्त आप इस तरह से अपने मोबाइल से मिनटो में भीमराव अंबेडकर जयंती के लिए पोस्टर बैनर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।